जी, मेरा नाम है दिलीप यादव और आज हम बात करने वाले हैं XUV700 के MX वेरिएंट के बारे में, यानी कि बेस मॉडल बारे में। अगर बात करते हैं तो इसमें पहले तो बात करता हूँ उसकी की तो की में आपको जो इसमें सेंट्रल लॉकिंग वगैरह सिस्टम देखने के लिए दोनों में ही मिल जाता है। इसमें लॉक अनलॉक और सारी चीज़ आप जो है कर सकते हो। इस प्रकार से जो है लॉक अनलॉक करने पर इसकी हैलोजन लैंप भी ऑन हो जाते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, इस प्रकार का देखने मिलने वाला है। सारी ही आपको फ्रंट में जो है इसमें ऐसा ही देखने के लिए मिलने वाला है। हैलोजन बल्ब DRL वगैरह इसमें नहीं देखने के लिए मिलेगी। लो बीम हाई बीम दोनों ही आपको जो है बल्ब्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फॉग लैंप वगैरह इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलते। वहीं शुरुआत करते हैं फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको ग्रिल मिल जाती है, वो भी आपको प्योरी पियानो ब्लैक में देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपको सिल्वर का पूरी डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो सारी वेरिएंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है महिंद्रा के वाले लोगों नीचे। और इस प्रकार का आपको पूरा फ्रंट देखने के लिए मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसे देख के आगे से कोई ये नहीं कह सकता इसका ये लोएस्ट वेरिएंट या बेस मॉडल ये है। वहीं बात कर लेते हैं ऊपर की, तो आपको दो जो है वाइपर्स दिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और आपको दो ही वाशर ऑफर करे जाते हैं। साइड मिरर की बात करूँ तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। और भी इसमें आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसके नीचे आपको कोई भी कैमरा या बटन वगैरह कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। वही चीज़ एक और है कि यहाँ पे आपको जो हैंडल मिलते हैं सारे ही जो आपको इसके सारे वेरिएंट में इसी प्रकार के देखने मिलेंगे, क्लिक करने के बाद बाहर आ जाते हैं। बैक डोर भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। वहीं टायर सेक्शन की बात करते हैं तो MRF के टायर जो है MRF के टायर जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। टायर सेक्शन की अगर बात करूँ तो आप 235/65R17 का पूरा देखने को मिलेगा। पर ये चीज़ अच्छी है कि इसमें डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, आगे भी और पीछे भी दोनों साइड आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। और वहीं बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। आपको बैजिंग मिल जाती है XUV700 लिखा हुआ, और वही आपको लाइट वगैरह देखने के लिए मिलेगी। बस इसके अंदर नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिल जाती है, डिफोगर नहीं मिलता, वाइपर नहीं मिलता, हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है, ऊपर आपको नॉर्मल वाला एंटीना मिल जाता है, कोई भी पैनोरामिक सनरूफ वगैरह आपको कुछ भी देखने के लिए मिलती है, दोनों रूफ ग्रिल मिल जाती है, और स्पॉइलर भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। पीछे की बात करूँ तो दो आपको जो है रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, नीचे की तरफ दो ही आपको जो है रिवर्स सेंसर देखने मिल जाते हैं। और पीछे की अगर बात करता हूँ कैमरास वगैरह की, तो एक सेकंड, पीछे आपको कोई भी कैमरा वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता, पर दो सेंसर मिल जाते हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। इसको अगर जो अपना ओपन करना हो तो एक सेकंड इस प्रकार का हो जाता है। तो इस समय ना सारी सीटें जो इसकी बिल्कुल फ्लैट करी हुई हैं, और उसको मैं एक बार उठा के दिखाता हूँ आपको। फोर्ड स्पेशल देखो यहाँ तक मिलता है इतना, पिट्टू बैग वगैरह आप आराम से रख सकते हो, और अगर सीट्स फोल्ड कर देते हो तो इतना बड़ा आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। अराउंड मान के चलो 400 लीटर का आपको फोर्ड स्पेस मिल जाएगा अगर आप इसको फोल्ड कर देते हो तो। और बाकी सारे पार्ट वगैरह आपको यहाँ देखने मिल जाते हैं, वही सारी आपको पाना वगैरह, चाबी वगैरह, टूल किट वगैरह सारी चीज़ यहाँ देखने मिलती है। और इसको करते हैं क्लोज। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की, इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिल जाती है, एक सेकंड। वहीं अगर बात करते हैं इसके इंटीरियर की, डोर पैनल की अगर बात करूं तो कोई भी आपको जो है सॉफ्ट टच इसमें देखने को मिलता है, हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है। सारी पावर विंडो कंट्रोल आपको यहां देखने के लिए मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक विंडो लॉक करने के लिए। यहां से इसके ORM को कंट्रोल आप कर सकते हो इस प्रकार से। तो ये आपको पूरा पैनल देखने मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट इस प्रकार के देखने मिलेगा सिल्वर में, और यहाँ पे आपको डोर हैंडल वही देखने में, ये थोड़ा आपको व्हाइट कलर का देखने के लिए मिल जाता है। बटन होल्डर, थोड़ा सा स्पेस आपको अम्ब्रेला होल्डर देखने मिलता है। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने मिल जाती है। वही बात करूँ कोई भी वेलकम प्लेट वगैरह देखने नहीं मिलती। सीट जो है इसकी हाइट एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाती है, फैब्रिक में जो है सारी सीट्स दी गई हैं। इसके अंदर सीट्स की जो बनावट है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। वहीं इसको करते हैं पीछे की तरफ, ये बिल्कुल इतना आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। वहीं अगर नीचे की बात करूँ, तीनों पैडल मिल जाते हैं, डेड पैडल फिर भी देखने को मिलता है। MID वगैरह कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ देखने को मिलता है। आर स्टार्ट स्टॉप का बटन भी यहाँ देखने को मिल जाता है। लाइट का लेवल अप डाउन भी आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे आपको जो है बोनट ओपन करने के लिए भी मिल जाता है। और वहीं बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग आपको कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है सारे ही कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के, और यहाँ पे आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। राइट साइड में आपको पूरे हेडलाइट के कंट्रोल देखने मिलते हैं, जो है वाइपर्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। स्टेयरिंग बताऊँ तो आपको टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक देखने के लिए नहीं मिलता। और स्टेयरिंग आपको सेम देखने को मिलेगा, कोई भी कवर वगैरह आप इसके ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे आपको महिंद्रा का नए वाला लोगो। इसका जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी बात अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, बाकी आपको सारी सेम देखने को मिलेगा। स्पीड जो इसका मीटर है सही अच्छा ही लग रहा है देखने में। और बीच में आपको जो है सेट रूट एंड VIN मतलब लिखा हुआ मिल जाता है इसके अंदर। आप जो है एक सेकेंड, ऐसा देखने के लिए मिलता है।
ऐसा देखने मिलता है। इसके अंदर आप जो है सेटिंग्स, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इंफॉर्मेशन, फ्यूल इंफॉर्मेशन, डिजिटल स्पीड और व्हीकल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखने मिलेगी। यहाँ पे जो है इसका हीट गेज है, यहाँ पे इसका जो है फ्यूल गेज है, नेविगेशन भी आपको इसमें देखने के लिए मिलती है और टोटल मिला के आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। वहीं बात करते हैं सेंट्रल कंसोल की, तो आपको इस प्रकार की छोटी सी स्क्रीन देखने के लिए मिलती है कंपेयर टू स्केट जो बड़े वाले मॉडल के अंदर आती है। उसके अंदर हम बात करते हैं क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। आपको रेडियो मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, म्यूजिक में आपको जो है एक सेकेंड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह ये चीज़ देखने के मिल जाती है। फ़ोन वगैरह की सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हो। ऐसा आपको देखने के लिए मिलने वाला है सारा ही सिस्टम जो इसका, वैसे कि एसी के वेरिएंट्स आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। सारी कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। चारों इंडिकेटर के लिए यहाँ मिलता है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। स्क्रीन डिजेबल करने के लिए मतलब हाँ यहाँ मिल जाता है। सीट बेल्ट का आपको यहाँ दिखाएगा, बाकी सारे नेविगेशन यहाँ मिलता है। यहाँ पर आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा, और इसके अंदर भी आपको एक छोटा सा स्पेस देखने को मिलता है, पूरा बढ़िया वाला स्पेस मिल जाता है इसके अंदर भी। यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स देखने के लिए मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। 6 स्पीड गियर का गियरबॉक्स आपको देखने मिलता है। हैंड ब्रेक मिल जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा कप होल्डर, और वहीं बात करते हैं यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है। इसके अंदर आपको इतना बढ़िया वाला स्पेस देखने मिलेगा, कोई भी आपको जो है कवर वगैरह देखने को नहीं मिलता, सादा ही आपको रफ प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाती है। वहीं बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो आपको इस प्रकार का देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आपको भी टैबलेट होल्डर देखने को मिलता है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है सही सा। और इसको करते हैं क्लोज, आपको जो पूरी डिज़ाइन आपको वही देखने को मिलने वाली है, यहाँ से शुरू होती है और वहाँ तक आपकी जो है ऑफ वाइट कलर देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं हेड यूनिट की, तो यहाँ पर टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो है लाइट्स मिल जाती है, वो भी आपको LED लैंप देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे बात करूँ ऑयल में आप मैनुअल ही एडजस्ट कर सकते हो, माइक आपको यहाँ देखने में मिलता है। दूसरी तरफ की बात करूँ बड़ा सा आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। ग्रेक ग्रेवेंटल आपको उस तरफ देखने में मिलता है। सीट्स जो है इसकी फैब्रिक में है, काफ़ी ज़्यादा जो है सही है, और जो इसकी जो मतलब पोजीशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब पकड़ अच्छी तरीके से ये आदमी को बनाती, पूरी स्पोर्टी वाला लोग इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सब चीज़ रहने वाली है। वहीं बात करते हैं अगर सेकंड रो की, तो सेकंड रो में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो चलते हैं सेकंड रो की तरफ। वहीं अगर बात करते हैं सेकंड रो की, तो सेकंड रो में भी आपको जो है इस प्रकार का देखने मिलता है, कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह देखने के लिए इसमें आपको नहीं मिलता, हार्ड प्लास्टिक मिलता है। पावर एंड डोर कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल है यार यहाँ देखने मिलते हैं, बटन होल्डर, थोड़ा सा स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट, कोई भी वेलकम प्लेट वगैरह देखने नहीं मिलती, बट आपको जो सीट आप एडजस्ट कर सकते हो इस प्रकार से, जैसे आप उसको उठाओगे ऊपर की तरफ ये फोल्ड हो जाएगी और यहीं से आप जो इसको ऊपर भी कर सकते हो और से और भी पीछे कर सकते हो इस प्रकार का। ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सीट्स बताऊं तो उसकी जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने मिलने वाली है, कोई भी आपको थाई सपोर्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलने वाली इसके अंदर, ना तो आपको स्पेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी। बीच में बताऊं तो एसी के वेंट्स मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार के, सी टाइप का चार्जर पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पर आपको फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, ये चीज़ आपको इसमें टोटल देखने के लिए मिलेगी। अब वहीं अगर बैठ के बात करूँ तो इसमें जो है आपको कप आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, उसके अंदर आपको दो बड़े बड़े कप होल्डर देखने के लिए मिलते हैं। आपको हेडरेस्ट मिल जाता है इस प्रकार का, यहाँ भी आपको हेडरेस्ट देखने के लिए मिलता है। सीट जो है यहाँ से फोल्ड कर रखी है, और उस साइड से बताऊँ उस वाले गेट से बताता हूँ आप कैसे जो है अंदर बैठ के कैसा क्या देखने मिलने वाले हैं। बट आपकी ये सीट है ना काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल, हेडरूम आपका ये रहने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको हेडरूम देखने को मिलता है, सब चीज़ बढ़िया है इसके अंदर। मतलब वो होता है ना कि अगर इसका टॉप मॉडल लेने जाओ तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो एक होता नहीं कि SUV लेनी है तो ये सब चीज़ आपको थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी और आप इसको भी ले सकते हो। पेस वेरिएंट से यही फ़ायदा होता है कि टॉप मॉडल या थोड़ा सा, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी लग्जरीज में आ जाती है, तो अगर किसी का सपना पूरा करना हो SUV वाला तो आप इसको लेके और थोड़ा बहुत पैसा लगा कर कन्वर्ट करके टॉप मॉडल भी इसको बना सकते हो। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड रो के बारे में। वहीं अगर बात करते हैं थर्ड रो की, तो थर्ड रो आपको इस प्रकार के देखने मिलने वाला है, कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आने वाली सीट से रिलेटेड, बट आपको जो थोड़े लेग रूम में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि थाई सपोर्ट इसमें आपको बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलता। बोतल होल्डर मिल जाता है, AC के कंट्रोल आपको मतलब AC के वेंट्स आपको यहाँ देखने के मिलते हैं, वहाँ पे आपको AC कंट्रोल के साथ आपको वेंट भी देखने के लिए मिलता है, और नीचे आपको कप होल्डर और एक आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने मिलता है। ऊपर आपको जो मिल जाता है इधर
ग्रेव हैंडल, एक ग्रेव हैंडल आपको इस तरह देखने मिलता है, और सीट जो है आपको बढ़िया देखने के मिल जाती है, जो आपको सब मिलती है वही आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। हेडरेस्ट मिल जाती है दोनों ही सीट्स में, बस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है कि लॉन्ग रूट वगैरह में आप नहीं जा सकते, बाकी जो है इसमें बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। और सीट्स की अगर बात करूँ तो इस प्रकार से जो है आप इसको नीचे कर सकते हैं और इसको उठा के आप यूँ पीछे कर सकते हैं, टोटल आपको ऐसा देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसको करते हैं क्लोज और बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसको जो है ऐसे कर देते क्लोज, ठीक है। तो चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन हुड जो है मैंने इसको ओपन कर लिया है, प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह देखने मिल जाती है। 2000 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है इसके अंदर, 300 एनएम का टॉर्क, 190 आपको है, 190 की आपको बीएचपी देखने को मिलती है। हाईवे पे ये 15 की माइलेज जो है कंपनी क्लेम करती है इसका, और ये सब चीज़ें रहने वाली है। इसके बारे में बात करते हैं, अब बात करते हैं प्राइस के बारे में, प्राइस का क्या देखने के लिए मिल जाता है। वही अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस जो इसका रहने वाला है 14,49,000 आपको जो है एक्स शोरूम दिल्ली का, RTO 1,44,900 रुपये, इंश्योरेंस 85,100 रुपये का, और ऑन रोड जाके कीमत इसकी पड़ जाती है 16,93,491 रुपये दिल्ली की। तो ये थी मेरी वीडियो XUV MX 7 सीटर पेट्रोल वेरिएंट के बारे में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जो बताना। थैंक यू सो मच।